आजकल अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून नाम का कोई डर नहीं है। पानीपत के तहसील कैंप में देर रात एक घर पर एक दर्जन से अधिक लोगों ने हथियारों से लैस होकर की जमकर तोड़फोड़। पहले भी कर चुके हैं घर पर हमला। तोड़फोड़ का मामला सीसीटीवी में हुआ कैद। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और कहा किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। ये चप्पल वाली दुकान के अंदर एक लड़का था, कोई और था अनजान जिसको हम नहीं जानते, ठीक है। उसको 10-12 लड़के मार रहे थे। मार्केट के बंदों ने उनको भगाया कि एक लड़के को अकेले मत मारो। उसके बाद मार्केट के बंदों ने शटल कर दिया नीचे। शटल नीचे करते ही 50 आदमी आ गए और हमारे घर के बाहर तोड़ फोड़ कर गए सारी, ये आप देख लो। और मैं कह रहा हूँ राहुल को जान से मारेंगे, मेरे को धमकी दे गया, मैं अपनी जान बचा के भागा हूँ। 40 बंदों के आगे आने का सिस्टम नहीं था हमारा। कौन लोग थे हमारे पुरानी रंजीत? पहले भी मार को मारने आए थे घर के बाहर 6 महीने पहले। कौन लोग है? यही हीरे उन्हीं का परिवार है पूरा। ये टिंकू कट्टे के केस में अंदर हो गया है 2 महीने पहले। गाड़ी तोड़ दी है सारी, सीटें मारी है ऊपर, सारा घर तोड़ दिया जी। हमारे पास सूचना मिली थी कि जट्टू चौक पे जो है बच्चों का आपसी में झगड़ा हो रहा था। जिस सूचना पर हम तुरंत मौके पर पहुंचे और अप्लीकेशन ली जिसके साथ झगड़ा था, उन्होंने अप्लीकेशन देते ही हमने उनका मुकदमा दर्ज किया है। जिन जिनके नाम उन्होंने दिए थे उनमें से हमने 4 को अरेस्ट कर लिया मुकदमा दर्ज करके। सीसीटीवी फुटेज में तो काफी व्यक्ति आ रहे हैं तो उसको लेकर तो अभी जैसे जैसे वेरीफाई होंगे आगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।